रहा है कि उस तबके को एक और खून की बोतल से लगाई जा रही है। दिस इज अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स। हम की पीठ पे एक और खंजर आप थोपने जा रहे हैं, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। आज आप वायदा कर रहे हो, वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो भी आखिरी चंद दिनों में, जो जब हुकूमत आखिरी चुस्कियाँ ले रही है। टैक्स एमनेस्टी ऑर्डिनेंस के खिलाफ ऐलान जंग स्कीम, मुल्क लूटने वालों के लिए खून चूसने वाले तबके को खून की एक और बोतल लगाई जा रही है। खदशा है ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ना चले जाएं। शाह महमूद कुरैशी की धुआंधार तकरीर, वफाकी बजट को तस्लीम करने से इनकार, हुकूमत आखिरी हिचकियां ले रही है। ऑर्डिनेंस समझ से बाहर, नवीद कमर का भी एतराज। इंतखाबी मौसम से कबल अबूरी सेटअप के लिए हलचल, 60 दिन के लिए मुल्क की बागडोर कौन संभालेगा? शाहिद खाकान अब्बासी और खुर्शीद शाह में अहम बैठक। निगरान वजीर आजम के लिए अपने अपने इत्तेहादियों से 7 रोज में मशावरत पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर की शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। इंतखाबात की तैयारियां, इलेक्शन कमीशन ने सरकारी महकमों में नो वैकेंसी का बोर्ड लगा दिया। सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती की इजाजत होगी। यकुम अप्रैल के बाद ऐलान करदा तरक्याती मंसूबे भी रोकने का हुक्म। तमाम हाई कोर्ट से जुडिशल अफसरों की फहरिस्तें मौसूल, DRO और RO की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। केस है क्या? फ्रॉड है, नवाज शरीफ से इंतकाम लेने का एक मुकदमा है कि JIT के जो 6 हीरे तलाश किए गए थे व्हाट्सएप पे, तो उनमें से जो 3 हीरे हैं वो हमारे सियासी तौर के ऊपर बदतरीन मुखालिफ हैं। एक ISI का मेंबर था और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का मेंबर था। मेरा केस तो कोई दहशतगर्दी का केस नहीं। नवाज शरीफ की तोपों का रुख JIT की जानिब, 6 में से 3 हीरे बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं। तफ्तीशी टीम में MI और ISI को डालने की क्या जरूरत थी? एक एक करके सब पोल खुल रहे हैं। अडियाला जेल वालों को कैसे पता चल गया कोई आ रहा है? साबिक वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। हेवन फील्ड रेफरेंस, ख्वाजा हारिस ने 10वें रोज JIT सरबरा पर जरह मुकम्मल कर ली। लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के कब्जे में रहने की दस्तावेजात मिली, ना नीलसन और नेस्कॉल के शेयर होल्डर रहने का कोई सबूत। तहकीकाती टीम ISI के जरिए गवाहों को समन जारी करती थी। वाजिद जिया का एहतसाब अदालत में बयान। पाकिस्तानियों के लिए खतरे की घंटी, फेसबुक 2018 इलेक्शन का स्टेटस खराब कर सकती है। जाली अकाउंट से इंतखाबात में मुदाखलत और गलत मालूमात के फैलाव का खदशा। इंतखाबात महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मार्क ज़करबर्ग की यकीन दहानी। गाड़ी 18 मॉडल, पेट्रोल 95 मॉडल। पाकिस्तान फ्यूल टेक्नोलॉजी में भी दूसरे ममालिक से बहुत पीछे। यूरो 2 से माहौल बर्बाद, आवाम की सेहत दाव पर। स्याह धुआं कैंसर समेत कई खतरनाक बीमारियों का सबब। ओग्रा कहाँ है? वजारत पेट्रोलियम जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम क्यों? हुकूमत हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है? दुनिया न्यूज की तहलका खेज रिपोर्ट पर हलचल, पीपल्स पार्टी ने नाकस पेट्रोल के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। कंपनीज के लाइसेंस फौरी तौर पर मंसूख करने का मुतालबा।
कप्तान के होम ग्राउंड पिशावर में नून लीग का सियासी मेला, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे, कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच गई। दूसरों के विकेट गिराने वाले को अपने खिलाड़ियों के लाले, NA6 नौशहरा से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली सिराज मोहम्मद खान का नून लीग में शमूलियत का फैसला। कमाल के सियासी कमालात जारी, मुत्तहिदा की एक और पतंग लूट ली, रुकने सिंध असेंबली हाजी अनवर पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। डॉक्टर आपने मुझे यार मैंने नहीं कहा क्या आपने कहा है? मैंने आपको क्यों कहूंगी यार, आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। ऐवान में हंसी का तूफान, शीरी मजारी और अयाज सादिक में दिलचस्प मुकालमे पर हुकूमत और ऑपोजिशन की एक पोजीशन, दोनों बेंचों से कहकहे गूंजते रहे। 30-30 साल 40-40 साल लोग मुकदमा बाजी में फंसे रहते हैं, कम से कम एक तो उनमें मजलूम है ना जी जो एक्सप्लॉइट हो रहा है और उसे कई साल इंतजार करना पड़ता है, कौन रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। वक्त आ गया अपने घर को दुरुस्त करें, ऐसा ना किया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। 40-40 साल केस चलते रहते हैं, मुकदमात में ताखीर के जिम्मेदार हम सब हैं, मर्जी के फैसले नहीं करते, आईनों कानून के मुताबिक चलते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का क्वेटा में तकरीब से खिताब। पशीन में दरख्तों की कटाई पर अज खुद नोटिस की समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी, लगता है किसी जाहिल ने तैयार की, जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क। कराची में एक और खौफनाक आग, सिटी कोर्ट का मालखाना रात भर शोलों की लपेट में रहा, अंदर मौजूद असलहा और बारूदी मवाद भी महफूज ना रहा, धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं, फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियों ने 4 घंटे बाद काबू पाया। घर में जाते हैं, घर में बिजली नहीं होती, स्कूल में आते हैं, स्कूल में बिजली नहीं होती, घर पे बिजली नहीं होती और स्कूल में भी नहीं होती, पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है हम लोग को। गर्मी बढ़ते ही कराची पर लोड शेडिंग का लोड, बिजली जाने का कोई टाइम ना आने का, तालीमी इदारों में भी गैर हाजिर, बदतर सूरत हाल पर MKM का कौमी असम्बली से वॉकआउट। अल्जीरिया में फौजी तैयारा गिरकर तबाह, 100 से ज्यादा अफराद हलाक, इमदादी कार्रवाइयां जारी। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, उन्होंने ये भी कहा कि खून चूसने वाले तबके को खून की एक और बोतल लगाई जा रही है, उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तानी कौम जितनी मकरूज है पहले कभी नहीं थी। एमनेस्टी स्कीम है ये दर हकीकत टैक्स इवेडर्स के लिए है, ये दर हकीकत मनी लॉन्डरर्स के लिए है और ये दर हकीकत उस तबके के लिए है जो अपने एसेट्स कंसील करता है, यानी कि ये ऑर्डिनेंस उस तबके के लिए है जो चोरी करते हैं, जो मुल्क लूटते हैं, कौम का खजाना खाली करते हैं और अपनी जाती तिजोरियां भरते हैं। ये वो तबका जो पिछले 70 साल से पाकिस्तान का खून चूस रहा है, ये उस तबके को एक और खून की बोतल लगाई जा रही है, एक और ऑक्सीजन दिया जा रहा है और इसलिए मेरी जमात और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने असूली तौर पर इसकी मुखालफत करने का फैसला किया। ना सिर्फ ये, ऑपोजिशन ने वफाकी बजट को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। नवीद कमर कहते हैं कि हुकूमत आखिरी सिसकियां ले रही है, ऑर्डिनेंस समझ से बाहर है। नवीद कमर की जानिब से भी एतराज किया गया और ये भी कहा गया कि लोग हुकूमत पर क्यों एतमाद करेंगे।
गवर्नमेंट पे यकीन और एतबार किसी को नहीं होता कि आज आप वायदा कर रहे हो, वो भी ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो भी आखिरी चंद दिनों में, जो जब हुकूमत आखिरी सिसकियां ले रही है, वो ऐसा वायदा करके जा रही है कि अगली आने वाली हुकूमतें आपसे कोई सवाल नहीं करेंगी, अगली सारी हुकूमतों के हम हाथ बांध रहे हैं। भाई क्यों क्यों अगली हुकूमतें आके आपकी इन बातों पे एतबार करेंगी और उनको फॉलो करेंगी, या क्यों लोग आप पे एतबार करेंगे कि अगली हुकूमतें आके आपके इन तमाम के तमाम कानून को वापस नहीं कर देंगी। और अब मामला है निगरान वजीर आजम का, जिसके लिए मुशावरत का आगाज हो गया। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर ने अपने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए एक हफ्ते का वक्त ले लिया। खुर्शीद शाह ने सलाह मशवरे का आगाज पीटीआई से किया। देखिए इस बारे में इस्लामाबाद से शाकिर सोलंगी की रिपोर्ट। आम इंतखाबात से पहले निगरान सेटअप के लिए पहला कदम, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुलाकात। निगरान वजीर आजम पर अपने अपने इत्तेहादियों से 7 रोज में मुशावरत पर इत्तेफाक। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत मुइना मुद्दत से 1 रोज पहले तहलील करने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अभी मुत्तफिक है कि ये जो बजट है 1 साल का, इसको मैंडेट हमें 1 साल का नहीं होना चाहिए, ये 6वां बजट होगा और हमारा मैंडेट सिर्फ ये है कि हमें मुल्क के कारोबार को, सिस्टम को चलाने के लिए ये बजट आइन और कानून के मुताबिक 4 महीने का होना चाहिए, उसके बाद जो नई असेंबली आए वो अपना बजट बनाए। खुर्शीद शाह की वजीर आजम से मिलने के बाद शाह महमूद कुरैशी और श्री मजारी से भी मुलाकात। पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के 4 माह का बजट लाने के मुतालबे की हिमायत कर दी। गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हम अपना पूरा टेन्योर करेंगे और 31 तारीख को लास्ट सेशन करेंगे हम। मैंने उनसे पूछा कि आपके जहन में कोई नाम हो तो आप मुझे बता दें, मेरे लिए बड़ा ईजी रहेगा। उसने कहा अभी हमने भी अपने लाइफ से डिस्कस नहीं किया है, इंशाल्लाह 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के अंदर हम फाइनल करेंगे। खुर्शीद शाह का कहना था कि हमारी कोशिश है निगरान वजीर आजम का नाम 15 मई से पहले फाइनल कर लिया जाए। शाकिर सोलंगी, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी है। सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियों की इजाजत होगी। मुल्क भर में 1 अप्रैल से नए तरक्याती मंसूबों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जारी तरक्याती मंसूबों के फंड्स किसी और मद में मुंतकिल नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह भी बता दिया गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन को तमाम हाईकोर्ट से जुडिशल अफसरान की फहरिस्तें भी मौसूल हो चुकी हैं। जुडिशल अफसरान आम इंतखाबात के दौरान DRO और RO की जिम्मेदारी